गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू? बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर थर्ड इन फिजिक्स, टॉपिक रहेगा डिफरेंशिएशन। तो देखो अपना टॉपिक है, नोट कर लो, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन। इसका मीनिंग मैं आपको समझा दूं, इसका हम डिफरेंशिएशन के मीनिंग की बात करें तो हम ले सकते हैं रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज। अदरवाइज डिफरेंशिएशन का मीनिंग स्लोप, अदरवाइज स्लोप का मतलब टेन थीटा, स्लोप का मतलब टेन थीटा। तो ये देखो, इसको अपन, इसकी रिक्वायर्ड कहाँ है, कैसे जरूरत पड़ी, सब चीज़ अपन समझेंगे इसकी। देखो फर्स्ट, मैं कोई वाई वर्सेस एक्स ले रहा हूँ, ये अपने पास ग्राफ है, देखते रहिए, देखो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इसका। और इसका वाई वर्सेस जो एक्स है, ये हमारे पास ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। यहाँ आप देखो ये एंगल कितना है, थीटा, स्ट्रेट लाइन है तो कहीं भी इसका स्लोप देखेंगे एवरीवेयर। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन, इट मीन्स इसका स्लोप कैसा है अपने पास, स्लोप किससे पता लगा, टेन थीटा। और टेन थीटा सब जगह कैसा है, कांस्टेंट। टेन थीटा कैसा है, कांस्टेंट। इसका यदि अपने को स्लोप निकालना हो तो देखो इसके स्लोप के लिए अपन एक वापस ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसको स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएशन और स्लोप एक ही बात है। देखो किस तरह से अपन ले रहे हैं, ये अपन ने ग्राफ लिया वापस वाई वर्सेस एक्स, ये वाई वर्सेस एक्स ग्राफ हो गया। इसके कोई भी पॉइंट ए और बी का मैं स्लोप निकालना चाहता हूँ, ये भी ला, ठीक है। तो इसके लिए देखो मैंने ये परपेंडिकुलर डाला, ये डाला। इसका मीनिंग क्या है देखो यहाँ पे, कि अपन यहाँ ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो ये पॉइंट हमने क्या ले लिया, सी ले लिया, और ये एंगल ले लिया थीटा। यहाँ ए पर जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या मान लिया मैंने, एक्स वन, और वाई कंपोनेंट है ये क्या ले लिया, वाई वन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर सी पर यहाँ ले लो एक्स टू, सी पर कंपोनेंट क्या लिया, एक्स टू, बी पर कंपोनेंट ले लो देखो y2। इसका मतलब a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास, a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, a के जो अपने पास कोऑर्डिनेट्स आए, इसके कोऑर्डिनेट आ गए अपने पास x1 y1, और b के जो कोऑर्डिनेट आ गए ये आ गए x2 y2, क्लियर। अब देखो मुझे टेन थीटा लेना है यहाँ से, इसका स्लोप निकालूंगा तो क्या निकालूंगा मैं, टेन थीटा। भाई स्लोप का मीनिंग क्या है यहाँ पे, मुझे स्लोप चाहिए था, ठीक है। तो स्लोप का मतलब क्या निकाल लें, टेन थीटा। इस ट्राइंगल में देखो ए बी सी में टेन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब मुझे देखो ये साइड साफ देखो इसकी, इसकी साइड देखो, ये जो साइड बी सी यहां से यहां तक का जो साइड है, यहां पे कितना है वाई टू, यहां पे कितना, तो ये कितना आ गया वाई टू माइनस वाई वन। और देखो ये जो साइड है ये कितनी आ गई भाई, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है। तो यहां अपने पास देखो टेन थीटा इक्वल टू मैंने बी सी की वैल्यू क्या लिखी, वाई टू माइनस वाई वन, और ए सी की वैल्यू लिख दी मैंने एक्स टू माइनस एक्स वन। और वाई टू माइनस वाई वन इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई चेंज इन वाई एक्सिस, और अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन चेंज एट एक्स एक्सिस।
तो ये अपने पास क्या आ गया, इसका स्लोप आ गया भाई, ये क्या है, स्लोप आ गया इसका। तो ये कब है, जब स्ट्रेट लाइन ग्राफ है और यहाँ पे स्लोप क्या है, कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पर ले, अपन यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, तो सब जगह स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गई बात। अब देखो अगला पॉइंट देखो, यदि ग्राफ अपने को ऐसा ना देखे, सेकंड पॉइंट जो मैं ले रहा हूं, देखो अब ग्राफ पर ध्यान दो आप, यहां स्ट्रेट लाइन ना आकर हमें जो ग्राफ मिला, ये देखो इस तरह का ग्राफ मिला, ऐसा ग्राफ मिला। तो आप इसमें देखो सब जगह जो टेंजेंट अपन ले रहे हैं, देखो यहां टेंजेंट ले, यहां टेंजेंट ले, अपने को ये थीटा वन मिला। मैं इस पॉइंट पे लेता हूं तो देखो टेंजेंट डालो, यहां टेंजेंट डाला मैंने, तो यहां टेंजेंट डाला तो देखो ये अपने को एंगल कितना मिला, थीटा टू। यहां टेंजेंट डालो आप तो यहां कितना मिला, थीटा थ्री, इस तरह से। तो इट मींस देखो थीटा इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इट मींस टेन थीटा इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, इट मींस स्लोप इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली। यहां पर स्लोप कांस्टेंट नहीं है, इसका स्लोप टेन थीटा इज इंक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, वेरिएबल है यहां पे। तो अब कैसे करें, ऐसे केस में हम बात करेंगे, तो फिर कैसे करेंगे हम भाई, यहां पे तो अलग है, तो हम क्या करेंगे इस केस में, जो हम बात करेंगे इनमें हम बात करेंगे स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट स्लोप एट ए पर्टिकुलर पॉइंट, किसी एक पॉइंट के स्लोप की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग पॉइंट्स पर स्लोप कैसा है, डिफरेंट है, अलग अलग पॉइंट पर स्लोप कैसा है, डिफरेंट है। तो हम देखो इसमें इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, देखो इस तरह से अपन, अभी मैं आपको वापस इसका स्लोप बता रहा हूं, ये फिर से ग्राफ बना रहा हूं मैं, y वर्सेस x जो ग्राफ आया, ये अपना ग्राफ, इस तरह का ये ग्राफ था। अब क्या करूं, देखो मैं पॉइंट इसको यहां और यहां मानता हूं, जब तो ये वेरिएबल हो रहा है, इन पॉइंट्स को मैं, दोनों पॉइंट्स को बहुत ही नियर टू ईच अदर कर लेता हूं, देखो नियर टू ईच अदर करूंगा तो इसको लगभग क्या माना जा सकता है, स्ट्रेट लाइन माना जा सकता है भाई। स्लोप आएगा, डिफरेंस आएगा, वो दो पॉइंट्स आएंगे तो दोनों पॉइंटों कहां कर लेते हैं, एक दूसरे के पास पास में, जब बिल्कुल पास रहेंगे तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रेट लाइन, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे। तो देखो यहां पर अपने पास ये एक ट्रायंगल मिला, अपने को ये एक ट्रायंगल मिला, ठीक है, स्मॉल सा पार्ट जो ये अपने को मिला, यहां पे ये ट्रायंगल मिला, ठीक है भाई, ये ट्रायंगल अपने को मिल गया, कब, जब पॉइंटों को पास पास में रखा, तो पास पास में रखूंगा तो यहां देखो जो अपने को मिल रहा है इसमें, कि यहां पर ये जो कंपोनेंट है ये एक्स वन, और ये इसके नियरेस्ट जो कंपोनेंट है ये एक्स टू है, ठीक है, इधर देखो ये जो है वाई टू है, और ये क्या है, y1 है, क्योंकि अब अपने पास बिल्कुल दोनों पॉइंट कहाँ ले लिए, पास पास ले लिए, बस इसका इस पार्ट का अपन ले रहे हैं, समझ में आ रही है बात, सिर्फ इस पार्ट की अपन बात कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, इस पार्ट की अपन बात कर रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो जब मैं इसी पार्ट की बात करूँगा तो यहाँ पे अपन स्लोप निकालें इसका टेन थीटा, जैसे ये वापस वही मैंने ए बी सी ये छोटा सा पार्ट ले लिया, तो इस छोटे से पार्ट का मतलब अपन यहाँ पे टेन थीटा निकालें, तो टेन थीटा जो ये ए बी के बीच में गैप था
ये जो गैप है जिसको हम डेल्टा एक्स ले रहे थे, और ये जो गैप है इसको हम क्या ले रहे थे, डेल वाई। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये अपने पास क्या आ गया, इसका स्लोप आया, जैसे पहले अपन ने इसका लिया था। लेकिन डेल्टा वाई एंड डेल्टा एक्स आर वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ये जब बहुत ही स्मॉल होते हैं तो हम क्या करते हैं, डेल्टा वाई रिटर्न एज डी वाई एंड डेल्टा एक्स रिटर्न एज डी एक्स। जब वैल्यूज बहुत स्मॉल हो तो डेल्टा वाई रिटर्न एज डी वाई एंड डेल्टा एक्स रिटर्न एज डी एक्स, देन स्लोप इट मीन्स, देन स्लोप इट मीन्स टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये जो अपने पास वैल्यू आई है, ये जो स्लोप की वैल्यू आई है डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को अपन अलग अलग ढंग में, अब ये अपने पास रिजल्ट मिला ना जो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो इस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, या तो हम इसको स्लोप बोल दें, क्या कह सकते हैं, इसको स्लोप बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ वाई वर्सेस एक्स ये ले सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेंशिएशन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो ये अपना बहुत ही प्यारा सा एक टॉपिक है जिसको फिजिक्स में हम एज ए टूल यूज करने वाले हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो इसमें दो वेराइटी अपन ने ले ली, स्लोप कांस्टेंट हो तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यानी टेन थीटा जब भी आता है वाई अपॉन क्या आता है एक्स, और जब वेरिएबल हो तो पर्टिकुलर पॉइंट का निकालेंगे, तो फिर चेंज कैसा निकालें, दोनों पॉइंट को एक दूसरे के पास लेंगे, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स आएगा, और जब ये बहुत ही स्मॉल है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वाई एज डी वाई एंड डेल्टा एक्स एज डी वाई। तो अपन डी वाई अपॉन डी एक्स जो अपने पास रिलेशन मिला, इसी का नाम क्या है, स्लोप ऑफ वाई बोल सकते हैं, चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हैं, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोल सकते हैं। तो अब बात समझ में आ गई होगी, अब नेक्स्ट इसके फॉर्मूले लेते हैं। देखो अगला अपन इसमें बात करेंगे फॉर्मूले, इसके कुछ अपन डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखेंगे जिनसे अपने को फिजिक्स में बहुत हेल्प होने वाली है। तो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, सबसे पहला फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, नंबर एक, यदि अपने को d अपॉन डी एक्स, क्या मीनिंग है इसका, डिफ्रेंशिएशन विद x, किसका, हमें जो मिला है वो क्या मिला, कोई कांस्टेंट मिला है, कोई नंबर मिला है, तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है भाई इसका, इसका कांस्टेंट का क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन जीरो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा, जीरो। इट मीन्स अपने को यहां इफ c इज इज इफ c इज ए कांस्टेंट अपन डिनोट करें, तो इस फॉर्मूले को अपन d अपॉन डी एक्स सी इक्वल टू जीरो यूं भी लिख सकते हैं। क्या मीनिंग है इसका भाई, जैसे हमने d अपॉन डी एक्स और यहां कोई 5 दिया तो 5 का क्या हो जाएगा, जीरो। इसका देखो मीनिंग क्या था, कहां से आया था, चेंज। तो 5 x के साथ किसी भी नंबर पर जाएंगे, डिजिट 5 ही है, 5 - 5 जीरो, समझ गए, ऐसा कोई भी डिजिट नंबर आता है तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दूसरा फॉर्मूला आप नोट करिए, सेकंड जो फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, d अपॉन डी एक्स यू एनी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी, यू मीन्स एनी वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। तो हम इसका फिजिकल क्वांटिटी का, अपन कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का करेंगे, यू अपन ने कोई ले ली तो क्या काम करना है, इसी को अपन डी यू अपॉन क्या लिखेंगे, डी एक्स, डी यू अपॉन क्या लिखना है हमें इसको, डी एक्स, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी
यू लेंगे, तो अपने पास इसका क्या हो गया, डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स, इट मीन्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ यू विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो जैसे इसका अपन फॉर्मूला कैसे करेंगे, मुझे कोई भी इसमें मिला फॉर्मूला, या देखो डी अपॉन डी एक्स, कोई फिजिकल वेरिएबल क्वांटिटी मिली एक्स की पावर एन, तो क्या काम करना है, पावर भार और पावर माइनस वन, ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है। बहुत ही इसको अपन थ्री स्टार फॉर्मूला कह सकते हैं, बार बार जरूरत पड़ेगी इसकी, पावर भार पावर माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स का करेंगे तो क्या करेंगे, पावर भार पावर माइनस वन, ये अपने को काम में लेना है। अब देखो एक चीज अपने को ये दे दें कि अपने को डी अपॉन डी एक्स सी यू, सी यू, सी का मतलब कांस्टेंट और यू का मतलब कोई वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज, तो हम क्या करेंगे कांस्टेंट को रख लेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स, यू का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सी कांस्टेंट अनचेंज रहेगा। किस तरह से, देखो जैसे अपने पास क्या रहा भाई, हमारे पास जैसे हम जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, और हमें मिला 5x, तो हम कैसे करेंगे, देखो 5 कांस्टेंट है, x का कर देंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स, अंदर डी अपॉन डी एक्स, इट मीन्स अपने को आंसर कितना आ गया 5। एक और एग्जांपल ले लें, डी अपॉन डी एक्स, यदि अपने को 3x स्क्वायर मिलता है तो देखो कांस्टेंट कितना है 3, और पावर भार पावर माइनस 1 कितना हो गया 1, तो अपने पास आंसर कितना आ गया इसका 6x। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया इसका, तो मेन लीड रोल किसका रहेगा, इस फॉर्मूले को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत बार काम में आने वाला है। अब देखो इसके बाद थर्ड फॉर्मूला, एक और बहुत बढ़िया फॉर्मूला मैं लेने जा रहा हूँ, अगला थर्ड नंबर जो फॉर्मूला है इसको देखिए आप लोग, थर्ड फॉर्मूला अपने पास जो रहेगा ये रहेगा डी अपॉन डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स यू वी, इट मीन्स दो वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज दे दी, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो सिंपल सा तरीका देखो, एक बार यू को रख लो वी का डिफ्रेंशिएशन कर दो, ठीक है, फिर वी को रख लो यू का डिफ्रेंशिएशन कर दो, समझ में आई बात, पहले यू को रख लिया फिर वी का कर लिया, है ना, और फिर वी का रख लिया यू का डिफ्रेंशिएशन कर लिया। ऐसे ही देखो एक और फॉर्मूला मैं आपको बताऊं कि यही फॉर्मूला यदि डिवाइड में आ जाए, ये फॉर्मूला अपने डिवाइड में आ जाए तो फिर कैसे काम करेंगे, देखो फोर्थ फॉर्मूला आप देखो, ये फॉर्मूला हमारे पास डी अपॉन डी एक्स, और फॉर्मूला कैसा आ गया यू बाई वी, ऐसे दे दिया मैं, तो फिर क्या करना है, इधर ध्यान से देखो भाई, हेलो जो नीचे लिखा हुआ है इसका वी स्क्वायर कर दो और ऊपर इसी को ले लो और यू का डिफ्रेंशिएशन कर दो, और अब यू को ऐसे कैसे ले लो और वी का डिफ्रेंशिएशन कर दो, साइन अब माइनस का आ गया नीचे, तो ध्यान रखना यहां जो है यहां भी वही रहेगा, खास फॉर्मूला है ये, है ना, और इसके अलावा तो अब सिंपली अपने को यदि बाय द वे यू दे दिया जाए डी अपॉन डी एक्स यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू, ऐसे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं, तो हमें सिंपल तरीका है डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ये अपने को देखो कितने फॉर्मूले पढ़े अपन ने, 5 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं, ये कितने फॉर्मूले पढ़े हैं भाई, 5 फॉर्मूले अपन ने पढ़े हैं, ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, कॉन्स्टेंट का कोई फिजिकल क्वांटिटी है तो करना है, 7 आएंगे तो सी अपॉन डी अपॉन। अब हम कुछ देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल। अब बी कैटेगरी में ले रहा हूं, बी कैटेगरी जो ले रहा हूं मैं, ये देखो अब बी कैटेगरी के फॉर्मूले जो आ रहे हैं इसमें हम लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल, एंड एक्सपोनेंशियल ये अपन लेंगे यहां पे। तो
तो इनमें देखो आप फॉर्मूले जो अपने को लेने हैं उन पे ध्यान दो। नंबर एक, जिससे हमें फॉर्मूला मिला डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, तो ये अपने पास हो गया माइन डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, इसका हो जाएगा कोस एक्स, क्या हो जाएगा इसका कोस एक्स। और अपने को बाय द वे दूसरा जो फॉर्मूला मिला हमें कहीं पे डिफ्रेंसिएशन करना है किसका, कोस एक्स का, कोस एक्स का, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, कोस एक्स का क्या हो जाएगा भाई माइनस साइन एक्स। और फिर यदि हमें यही चीज मिलती है डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, टेन एक्स, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, इसका फॉर्मूला हमें मिल गया सेक स्क्वायर एक्स। और डी अपॉन डी एक्स फोर्थ फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स अपने को मिला कोट एक्स, कोट एक्स, तो इसका मिलेगा अपने को माइनस कुसेक स्क्वायर एक्स। तो ये थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाय द वे अपने को लोगरिथमिक फॉर्मूला इसकी जरूरत पड़े डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स, इसकी जरूरत पड़े लोग एक्स डी अपॉन डी एक्स लोग एक्स, तो ये होता है वन अपॉन एक्स। और यदि एक्सपोनेंशियल डी अपॉन डी एक्स हमें ई की पावर दी जाए तो ये एक्सपोनेंशियल चेंज नहीं होते हैं, एज इट लिखे रहेंगे। बाय द वे ये अपने को इस तरह से दे दिया जाए डी अपॉन डी एक्स ई ए एक्स प्लस बी की पावर में दे दिया जाए, तो इसको आप जो एक्स के साथ वेरिएबल एक्स के साथ जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लो और ई एक्स वेयर एक्स इक्वल टू क्या ले लिया हमने ए एक्स प्लस बी, इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, और ये कैसा होता है चेंज नहीं होता, तो ई इक्वल टू एक्स यानी ए एक्स प्लस बी, इस तरह से अपन इसको कर लेंगे। तो ठीक है ये फॉर्मूले अपन ने देखे। देखो इनके साथ कुछ मैं क्वेश्चंस करा देता हूं आपको डीसी पांडे के, जो सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर लेते हो इट मीन्स अपने फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ये फॉर्मूले हो गए है ना, और इसके बाद अपना नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बेसिक मैथमेटिक्स बाय डीसी पांडे, वो मैं प्रॉब्लम्स कराने वाला हूँ, तो आप बने रहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू सो मच।